नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं विश्व गौमाता सुरक्षा और स्वच्छ सबुज परिवेश संघ यूट्यूब चैनल्स। आज का वीडियो है आपका गौशाला में आप कैसे अच्छा नस्ल का बुल नंदी तैयार कर सकते हैं। और मैं जो एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताई थी आपकी गौशाला में कैसे नॉर्मल गाय से, कम दूध देने वाली गाय से कैसे ज़्यादा दूध देने वाला गाय तैयार करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहता है और काम इतना कठिन नहीं है, लेकिन ये बूल तैयार करना थोड़ा कठिन है और बहुत श्रम की बात है। और इसी के लिए आपके पास एक अच्छा गिर गाय चाहिए। इसका कारण यह है आप किसी जो कम दूध देने वाला गाय से ज़्यादा दूध देने वाला गाय तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा नंदी तैयार नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, आप जब अच्छा सीमेंट डालते हैं गाय में तो अच्छा जो नस्ल आता है वो बछड़ा हो या बछड़ी हो। तो बात ऐसा है कि जो बछड़ा आएगी, बछड़ी आने से तो ज़्यादा दूध देने से चले जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो बछड़ा है उसको नंदी नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो जो आता है, जो बच्चा आता है जो कम दूध देने वाला गाय से, वो बुल और उसका फादर उसका मदर दोनों का जीन्स लेके आता है, तो इसलिए उसका मदर का दूध कम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और आपकी गौशाला में जितना कम से कम गाय हो, कम दूध देने वाला गाय, लेकिन आप जो नंदी रखते हैं हमेशा हाई क्वालिटी का नंदी रखना चाहिए। कारण इसका यह है, हाई क्वालिटी नंदी रखने से क्या होता है, जो नंदी का जो जीन्स होता है, जो ज़्यादा दूध देने वाला का जीन होता है, वो अपनी गाय से आता है। और क्योंकि सोचो, गाय एक है जमीन, और ज़मीन में हम जो बीज डालते हैं, जो सब्जी हो, जो भी बीज डालते हैं वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन इसी तरह गाय एक ज़मीन जैसे सोचा था, लेकिन जब हम ज़मीन में अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा फसल आएगा। और बीज यहाँ पे कौन है? नंदी है। तो अच्छा पेडिग्री का गिर बुल तैयार करने के लिए हमको एक अच्छा गाय गौमाता चाहिए। और जो गौमाता को माँ ज़्यादा दूध देता हो और वो खुद पे खुद ज़्यादा दूध देता है, और उसका बहन भी ज़्यादा दूध देता है, और उसका नानी दादी, ऐसा सब दूध देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आगे और पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वही गाय को आप क्या करेंगे, एक अच्छा नस्ल की गिर बुल का सीमेंट डालोगे या नंदी से संवर्धन करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास जो ज़्यादा दूध देने वाली जो हाई क्वालिटी का गाय है उसको आप हाई क्वालिटी का नंदी से सीमेंट से एआई कीजिए, नहीं तो आपके पास अच्छा जो नंदी शायद नहीं होगा ऐसा नंदी। मैं ये वीडियो सब भाइयों को बनाता हूँ जो ग्रीड ब्रीडर से दूर दूर रहते हैं, तो उनके पास अच्छा नंदी नहीं मिलेगा, तो उनको नंदी तैयार करने के लिए वो अच्छा बुल का सीमेंट प्रयोग करें, जो गाय बताया था मैंने, जिसका दादी का रिकॉर्ड अच्छा हो, नानी का रिकॉर्ड अच्छा हो, उसी गाय को वो अच्छा बुल का सीमेंट दे। और उस जो सीमेंट आप लगवाएंगे
उससे जो बछड़ी आएगा वो हाई क्वालिटी बछड़ी आएगा, और जो बछड़ा आएगा वो आपकी गौशाला में नंदी हो सकती है। लेकिन 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 यहाँ पे एक फंडा है, क्या है, आप जो गौशाला में जो नंदी तैयार करेंगे वो उसका जो गोत्र है, जो ब्लड लाइन है, वो अपनी बहन, अपनी माँ, उसको कभी वो क्रॉस नहीं कर सकता है, संवर्धन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनब्रीडिंग हो जाता है और जो नस्ल होगा आगे वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो नंदी आपने तैयार करेंगे उसको आप दूसरा गाय को गाभिन करने के लिए यूज़ करेंगे, और आपका गौशाला धीरे 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 डेवलप हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ, आप हमेशा गौशाला में ज़्यादा रुपया नंदी पे खर्चा करना चाहिए, और गाय जितना कम रेट से आने से चलेगा। लेकिन और एक बात ध्यान है, जितना गाय कम रेट आने से चलेगा, लेकिन उसमें जब अच्छा नंदी का बीज डालोगे तो वो अच्छा क्वालिटी का गाय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात सुनो, आपके पास ज़्यादा हाई प्राइस का गाय है, हाई क्वालिटी का गाय है जो 20-25 लीटर दूध देता है, लेकिन वो आप वो ज़्यादा रेट दे के कीमत दे के खरीद के लाते हैं, लेकिन आपके पास अच्छा बूल नहीं है, तो वो गाय से जो बछड़ा बछड़ी आएगा वो अच्छा दूध नहीं देने का खतरा रहता है। इसीलिए आपके पास जितना क्वालिटी का गाय होने से कम चलेगा, लेकिन आपका गौशाला में अच्छा नंदी रखना जरूरी है। और बहुत भाइयों देखते हैं कि हमको गिर नंदी चाहिए। अरे भाई, मैंने आपको बताना चाहता हूँ, मेरा किसान भाई आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई को आपको नंदी चाहिए वो आँख छुपा कर कभी नंदी नहीं लाइए, क्योंकि जो नंदी गिर जैसे गिर दिखता है वो शायद गिर नंदी है, लेकिन उसका मदर फादर रिकॉर्ड और उसका जो ब्लड लाइन नहीं अच्छा होगा, तो आप जो मतलब अंधेरा में लाठी घुमाने जैसा होगा। इसीलिए आप गाय जितना कम से कम रेट में खरीदिए, और आपकी गौशाला में हाई क्वालिटी का नंदी रखिए। और ये वीडियो में मैंने बताया आप आपकी गौशाला में कैसे अच्छा जो हाई मिल की इल्डी वाला पेडिग्री का नंदी कैसे बनाए, मैंने आपको बता दिया। और आपके मन में ये सवाल आता होगा, सीमेन कहाँ से लाएंगे? देखिए, सीमेन स्टेशन बहुत है, सब जगह से सीमेन है, आप वहाँ से सीमेन ला सकते हैं, और वो सीमेन आप विश्वस्त संस्था से ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा पहचानने वाले हो, और विश्वस्त लोगों से आप सीमेंट कलेक्ट कीजिए, लोग विश्वस्त डिस्ट्रीब्यूटर से सीमेंट कलेक्ट कीजिए, विश्वस्त डीलर से सीमेंट कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आजकल सीमेंट भी डुप्लीकेट होने लगी है, वो गिर की सीमेंट हो, जो भी बोल का सीमेंट हो, वो डुप्लीकेट आने लगी है। आप ज़्यादा कीमत दे के सीमेंट खरीदते हो, लेकिन उससे जब बच्चा आता है वो तो क्रॉस ब्रीड का आता है, तो आप विश्वस्त सूत्र से जो उनसे सीमेन लाइए। और हमारा ये जो विश्व गोमाता सुरक्षा, ये हमारी ओडिशा में गिर बुल, साहिवल बुल, थारपरकर और हरियाणा की अच्छा अच्छा बुल का सीमेन सुपर स्टॉकिस्ट लिया है। आप जो भाई को भाई की गिर सीमेंट चाहिए, वो डिस्प्ले में शो होने वाली कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये डिस्ट्रीब्यूटर ओडिशा के लिए अवेलेबल है, तो आप कोशिश कीजिए, आप धैर्य मत हराइए,
ऐसे ऐसे छोटी छोटी काम करो और आपकी गौशाला को एक अच्छा गौशाला बनाओ। आप ज़्यादा कीमत दे वाली गाय के पीछे मत नहीं भागना नहीं है। आप कम से कम प्राइस दे के गिर गाय खरीदो। और अच्छा नंदी बनाने के लिए, अच्छी नंदी बनाने के लिए हमेशा अच्छा गिर बुल चाहिए, और वो जितना जितना ज़्यादा दूध देता है उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा गौशाला में अच्छा नंदी चाहिए। इसलिए आप जब नंदी का पर्पस में, जब आजकल डिमांड ज़्यादा गाय से ज़्यादा नंदी का डिमांड है, क्यों है? क्योंकि एक गाय साल में एक बच्चा देता है, लेकिन एक नंदी से सालों में बहुत बच्चा आता है। इसका सीधा सा बात है, एक नंदी बहुत गाय को संवर्धन कर सकता है एक साल में, लेकिन एक गाय जो आप ज़्यादा कीमत दे के लाते हो, गाय वो 20 लाख हो या 30 लाख हो, जो भी लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी हो, आप वो गाय से वर्ष एक बच्चा निकाल सकते हैं, और वही बच्चा आपकी गौशाला पे अच्छा नंदी होगा। तो आप जब बूल तैयार करने के लिए एक अच्छा गाय भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा गौशाला के लिए कम से कम प्राइस में गाय खरीदिए, और आपको धीरे 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 डेवलप होना चाहिए। और ज़्यादा पैसा अब अच्छा नंदी लाने के लिए गौशाला को खर्च कीजिए, और आप धीरे धीरे आप, और एक बात, आप जब ज़्यादा कीमत वाली गाय खरीदोगे उससे क्या होता है ना, दुनिया में ऐसा कोई ब्रीडर नहीं है जो आपको अच्छा गाय बेचे, वो कभी भी अच्छा गाय कोई नहीं बिका, क्योंकि ये इसका मेहनत का फल है। तो वो जो थर्ड क्वालिटी का गाय बेचेगा आपको, तो इसीलिए आपकी गौशाला में आप एक हाई क्वालिटी का गाय रखिए नंदी तैयार करने के लिए, और जो गाय दूसरा गाय है वो कम से कम कीमत में खरीदिए, और एक अच्छा क्वालिटी का बुल रखिए। तो यहाँ पे आपको ये समझ आती हो कि एक गाय वर्ष एक साल में एक बच्चा देता है, लेकिन एक बुल जो आप जो हाई प्राइस दे के बुल लाते हैं वो बहुत गाय को संवर्धन करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपकी गौशाला में जो बुल खरीदने पे लगाए, आप बुल खरीद सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं। और बात, हमारी भारत में जब अंग्रेजों ने आए थे वो क्या किए, जब वो सर्वे किए उनको पता चला भारत आज सोने की चिड़िया क्यों है, क्योंकि भारत के पास ये जो देसी गाय है। तो इसीलिए वो क्या किया ना, वो जो ठंडी अंचल से वो आते हैं वहाँ पे महीना महीना सूरज नहीं पड़ता था, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना शरीर को गर्म रखने के लिए वो गाय को कत्ल करके खाते थे। इसीलिए यहाँ पे आया, यहाँ पे भी कत्ल करके गाय को खाया, और उससे उनका मन शांति नहीं हुआ। वो क्या करे ना, वो सोचे यहाँ पे जो गाय पैदा करने वाला जो बीज है, जैसे नंदी, वो भी अच्छा अच्छा नंदी को कत्ल कर डाले, और धीरे 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 वो बहुत सारा नंदी को कतर कर लिए, और हमारी गो भारत में मिट्टी में जो हाई क्वालिटी का जो मिल्क देने वाली जो गाय थे उनको भी मार दिए, और हाई क्वालिटी पैदा करने वाला जो बुल था उसको मार कर उसका जो मांस खाते थे। तो इसको भारत को बर्बाद करने के लिए वो एक नई प्लान समझे, और वो प्लान क्या है ना, हमारे देश में जो क्रॉस ब्रीडिंग का पॉलिस वो लाए थे, और वो पहले हमारी सरकार को फुसला कर, गलत बात सिखा कर अपनी देश का गाय
हमारे देश को भेज दिए 1960 में, जब हमारे देश में साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा जैसे हाई क्वालिटी का गाय था। और वही अंग्रेजों के समय में वो हरियाणा गाय का एक मिल्क रिकॉर्ड है, उसका दूध था 28 लीटर 700 ग्राम। वही अंग्रेजों ने रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट रखा है। तो उनको पता चल गई थी भारत को बर्बाद करने के लिए भारत की गोवंशा को नष्ट करना है, इसीलिए वो बताई आम उनका खुद की देश में ज़्यादा दूध देने वाली गाय बताई और हमारी देश की गाय को एचएफ और जर्सी से क्रॉस कराए। और आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं, घर घर में गाय देसी बदल में जर्सी और एचएफ वर्णशंकर जैसे गाय है। तो जो भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए।